अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। किसी नगर में भगवान बुद्ध का आगमन होने वाला था। जब उस नगर के राजा को इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि कल प्रातः भगवान नगर में पधार रहे हैं, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा का भक्ति का भाव रखते थे। उन्हीं की नगरी में एक गरीब चमार रहता था, नाम था उसका सुदास। दिन भर अपना मेहनत भरा काम करता और रात अपने झोंपड़े में जाकर विश्राम करता। उसे भगवान के नगर में आगमन के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे, वह तो उस नगर का एक साधारण सा नागरिक था और विशिष्ट घटनाओं की जानकारी तो विशिष्ट व्यक्तियों को ही होती है। तो चमार अपना काम करके रात अपने झोंपड़े में जाकर के सो चुका था। अगले दिन प्रातःकाल जब वो उठा, तो उसने अपने झोंपड़े के पीछे जो एक गंदे पानी की छोटी सी तलैया थी, उसमें एक बिना मौसम का खिला हुआ सुंदर कमल का फूल देखा। उस असमय में खिले हुए कमल के फूल को देखकर सुदास बहुत हैरान हुआ। हैरानी की ही बात थी, क्योंकि अभी सीजन नहीं था और इस समय में कमल का फूल खिला है। फिर उसने सोचा कि मेरे झोंपड़े के पीछे इधर कमल का फूल खिला है, तो कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा। और फिर वो ये सोचकर खुश हो गया कि चलो आज इस फूल को बाजार में जाकर बेच आऊंगा तो रुपए दो रुपए कुछ मिल जाएंगे। बस यही सोचकर उसने उस फूल को लिया और बाजार की तरफ गया उसे बेचने के लिए। अभी वह रास्ते में जा ही रहा था कि वहां उसे नगर सेठ रथ पर सवार आते हुए दिखाई दिए। और जब नगर सेठ ने देखा कि इस व्यक्ति के हाथ में बिना मौसम का खिला हुआ कमल का फूल है, तो उन्होंने उसे रोका और कहा, भाई इसे बेचते हो? सुदास ने कहा, जी। तब उसने कहा नगर सेठ ने कि कितने में बेचोगे? सुदास ने कहा, जो आप दे दें, आपकी कृपा है। नगर सेठ ने अपने सारथी से कहा, इसे 5 रुपए दे दो और इसे यह फूल ले लो। 5 रुपए? सुदास ने जैसे ही ये सुना, वो अपने मन में सोचने लगा, मैं तो इस फूल के लिए 1-2 रुपए सोचता था कि आज 1-2 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ये सेठ मुझे इस फूल के लिए 5 रुपए देते हैं। और बस वह उन्हें फूल देने ही वाला था कि तभी वहां पर राज्य के मंत्री जी घोड़े पर सवार आ गए और उन्होंने कहा, रुको रुको रुको, इस फूल को तुम बेचना मत, इस फूल को मैं खरीदूंगा और जितना धन तुम्हें ये नगर सेठ देते हैं उससे 5 गुना अधिक धन तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन इस फूल को तो तुम मुझे ही दे दो। सुदास हैरान, आज क्या बात है, इस फूल को लेने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सेठ पहले ही मुझे 5 रुपए देना चाहते हैं इस फूल के लिए, वो भी मेरी सोच से तो ज्यादा ही है, लेकिन मंत्री कहते हैं कि मैं इनसे भी 5 गुना अधिक धन दूंगा इस फूल के लिए, आज बात क्या है। वो अभी इसी सोच विचार में डूबा हुआ ही था कि तभी वहां पर रथ पर सवार राजा साहब पधार गए और राजा ने भी उसे देखते ही कहा कि ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा, जितना तुम कहोगे उतना धन तुम्हें दूंगा, लेकिन ये फूल तो तुम मुझे ही दो। अब तो सुदास हैरान, परेशान, विस्मय, विमूढ़, ये हो क्या रहा है आज, आज क्या बात है। जब भी हमारे साथ में किसी दिन कोई अनयूजुअल घटना घटती है, तो हमें भी तो ऐसा ही लगता है कि आज हुआ क्या है, आज का दिन कैसा है। तो सुदास भी इसी हैरानी में था, विस्मय विमूढ़ था कि आज बात क्या है। वो सोचने लगा कि इस एक फूल के लिए आज सभी लोग इसी फूल को खरीदना चाह रहे हैं, सभी इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा है क्या इसमें। उसने राजा से पूछ लिया कि आज ऐसा क्या है कि आप सभी लोग इसी फूल को लेना चाहते हैं, इस फूल को लेने के लिए नगर सेठ तैयार थे, मंत्री जी तैयार थे और आप स्वयं भी इसी फूल को लेना चाहते हैं, आज ऐसी क्या बात है, क्या इस फूल में कोई विशेष बात है, क्या ये फूल कोई विशिष्ट है। राजा ने कहा, नहीं सुदास,
ये फूल कोई विशिष्ट नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज हमारी नगरी में भगवान बुद्ध का आगमन हो रहा है और हम सभी लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। और तुम्हारे हाथ में ये जो बेमौसम का कमल का फूल खिला है, ये हम लोग उनके चरणों में चढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम सभी तुमसे इस कमल को लेना चाहते हैं। सुदास के दिमाग में अब गुत्थी सुलझी कि अच्छा तो ये बात है। उसने राजा से कहा, ऐसी बात है, भगवान हमारी नगरी में पधारते हैं। वो ये समाचार सुनकर अत्यंत हर्षित हो गया। उसके हृदय में भी बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान हमारी नगरी में पधारे हैं। तो उसने बोला कि फिर मैं इस फूल को क्यों बेचूं? क्यों ना मैं स्वयं ही इस फूल को जाकर के उनके चरणों में चढ़ा दूं? जैसे ही सुदास ने ये कहा, राजा ने कहा, सुदास तू पागल हुआ है? तू जानता है ना तू कितना गरीब है, और मैं तुझे मुंह मांगा धन दे रहा हूँ। इतना धन दूंगा कि तेरा पूरा जीवन सुधर जाएगा, ना सिर्फ तेरा, तेरी संतान का और संतान की आने वाली संतान का भी भविष्य सुधर जाएगा। इतना धन मैं तुम्हें दूंगा, और तू कहता है कि मैं स्वयं ही ये फूल चढ़ा दूंगा, तो इस फूल को हमें दे दे। लेकिन सुदास ने कहा, राजन वो सब बात रहने दीजिए। राजा ने कहा, तू पागल हो रहा है सुदास, एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच ले। आज का दिन तेरी किस्मत के सितारे बहुत बुलंद है। आज तेरे ऊपर लक्ष्मी जी की मेहरबानी हो रही है और तू लक्ष्मी को ठुकरा रहा है, तू लक्ष्मी पर लात मार रहा है। राजा ने बहुत तरह तरह से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुदास ने कहा कि नहीं राजन, नगर में बुद्ध का आगमन हुआ है, मैं इस फूल को किसी को नहीं देना चाहता। राजा ने उसे और भी कई सारे प्रलोभन दिए, लेकिन सुदास ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अभी तक तो मैंने ये फूल किसी को भी ना बेचा था, ना तो नगर सेठ को बेचा था, ना मंत्री और आपको भी नहीं बेचा था, इसलिए अब इस फूल को तो मैं स्वयं ही जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा देता हूँ। इतना कहकर वो तो वहां से निकल गया। अगर इस सुदास की जगह पर हम लोग होते तो क्या करते? राजा, मंत्री और नगर सेठ सभी अपने अपने वाहनों पर सवार बुद्ध के चरणों में पहुंच गए। उन्हें वंदन नमन करने के पश्चात उनसे कहा कि भगवान, आज नगर में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित हुई। और फिर जो जो उनके साथ में ये घटित हुआ था उन्होंने भगवान बुद्ध को सुनाया और कहा कि भगवान, वो सुदास हमारे ही नगर का रहने वाला है, बहुत ही गरीब है, चमार है, उसके पास में एक दिन की भी पूरी खावे जितनी रोटी का उसका जुगाड़ नहीं हो पाता है, इतना वो गरीब है। लेकिन फिर भी हमने उसको इतना धन देने के लिए कहा, लेकिन उसने वो फूल नहीं बेचा। जो ही उसने सुना कि आप नगर में पधारे हैं, तो उसने कहा कि फिर तो मैं स्वयं ही भगवान के चरणों में ये फूल अर्पण कर दूंगा। उन्होंने बुद्ध को ये बात बताई ही थी कि तभी सुदास भी वहां पर पहुंच गया। उसने भगवान के चरणों में वो फूल चढ़ाया और वहीं पर अपना सिर झुका करके बैठ गया। बड़ी देर तक वो अपना मस्तक झुका करके उसी प्रणाम की भाव दशा में, उसी नमन की मुद्रा में वहां बैठा रहा। फिर जब उठा तो भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुदास तुझे वो फूल बेच देना चाहिए था ना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाती। गुरु कितने विचित्र होते हैं, कैसे होते हैं गुरु? असाधारण होते हैं, हमारी सोच समझ से परे। क्योंकि हम लोग तो सोचेंगे कि गुरु को सदैव सत्य का पक्ष लेना चाहिए, गुरु तो हमेशा सही बात का ही फेवर करेंगे, गुरु तो सही बात ही कहेंगे। और सही बात तो यही थी कि सुदास को फूल नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन भगवान कहते हैं कि सुदास तुम्हें यह फूल बेच देना चाहिए था ना। सचमुच गुरु की लीला गुरु ही जाने। जब भगवान ने सुदास से कहा कि तुझे ये फूल बेच देना चाहिए था, तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाती, तब सुदास ने कहा, भगवान आपके चरणों में इस फूल को चढ़ा करके और यहाँ पर मस्तक झुका करके जो अनुभूति मुझे हुई है, उसकी कीमत इस फूल की कीमत से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो शांति, जो आनंद और जो प्रसन्नता मुझे इस समय महसूस हो रही है, जो मुझे इस समय वो शांति मिल रही है, उसके आगे कोई भी धन तुच्छ है, वो किसी भी धन से मुझे नहीं मिल सकती है। और सचमुच सुदास की आभा उस समय देखने वाली थी।
उस साधारण से इंसान के भीतर उस समय दिव्य नूर प्रकटा था। उसके भीतर की पूरी तरह से आभा परिवर्तित हो चुकी थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज्ञानी जनों के, गुरुजनों के अथवा परमात्मा के अतिशय क्षेत्र में प्रवेश करता है, अगर वह खुले दिल से हो और सरल चित्त से जाता है, तो उसके भीतर की अशुभ लेशिया जितनी भी होती है वो सारी दूर हट जाती है और उसके अंदर शुभ लेशिया का संचार होने लगता है। क्योंकि गुरु की अतिशय क्षेत्र में जाने से हम सबके भीतर परिवर्तन आता ही है। गुरु का वो आभा वलय हमें भी छूता ही है, बशर्ते हम लोग बिना किसी कामना के गुरु के पास जाएं। हम लोगों के भीतर अगर कुछ पाने की चाहत नहीं है, अगर मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, और हम अपने मैंपने से यानी अपने अहंकार से रहित होकर के जाएं, खुले और खाली होकर के जाएं, तो गुरु का अतिशय, गुरु का वह आभा वलय, गुरु का मैग्नेटिक फील्ड, गुरु का ऑरा हमारे भीतर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाता ही है। हम भी रूपांतरित होते हैं, हमें भी वो गुरु का अतिशय छूता ही है, बस हम खुले और खाली होकर के जाएं। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी जनों को कहा कि देखो, इस सुदास के भीतर दिव्य आभा प्रकटित हुई है। अगर पहचान सको तो इस सुदास की सुवास को पहचानो। इसके भीतर हृदय के अंदर अपार प्रेम उमड़ा है, और इसके अंदर जो ये अथाह प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के भावों का उदय हुआ है, इसने इसके भीतर के सारे कलुष को दूर हटा दिया है। इसके अंदर की सारी मलिनता दूर हो चुकी है। अब इसके अंतर का रसायन पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी लेशिया ही पूरी तरह से बदल गई है। अगर तुम देख सको तो देखो। और इसने अब उस आंतरिक संपदा को प्राप्त कर लिया है जिसके आगे ये भौतिक संपदा कुछ भी नहीं है। फिर कैसे कह दे कि ये एक साधारण चमार, गरीब इंसान है? कौन गरीब और कौन अमीर? इसकी आत्मा ने इस समय बहुत ही उत्कृष्ट भावों का आरोहण कर लिया है। फिर हम कैसे कह दें कि ये गरीब है? गरीबी और अमीरी के हमारे मापदंड कुछ और होते हैं, लेकिन इसके भीतर जो संपदा इस समय इसे महसूस हो रही है, उसका अनुभव तो अभी यहाँ बैठे राजा को भी नहीं हुआ। राजा, मंत्री, नगर सेठ, कोई भी कितना भी भौतिक धन में कितना भी बढ़ चढ़ जाए, लेकिन इस समय सुदास की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सुदास की भक्ति अद्वितीय है, बेजोड़ है यह सुदास। और सचमुच ऐसा ही होता है। जैन कथानकों में भी वर्णन मिलता है, हम सब ने सुना है शालीभद्र की रिद्धि के बारे में। वो अपार समृद्धि के स्वामी थे, लेकिन कैसे मिली उन्हें यह रिद्धि, कैसे मिला उन्हें यह अतुलित धन वैभव? अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत ही साधारण सी गरीब महिला के पुत्र थे। संगम उनका नाम था, और जब वो संगम बालक था, तब एक दिन उसने अपनी माँ से जिद करी कि माँ, आज तो मैं खीर खाऊंगा। अब माँ के पास में खीर बनाने के लिए भी कोई साधन नहीं थे। वो इतनी गरीब महिला थी, आस पड़ोस के घर में काम करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी, और अब बच्चा जिद कर रहा है कि आज तो मैं खीर ही खाऊंगा। उसने आस पड़ोस की महिलाओं की सहायता से खीर बनाई, और फिर अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उसे खीर परोस दी। जो ही वह संगम बालक खीर खाने के लिए बैठा ही था, कि तभी वहां से एक मुनिराज का पधारना हुआ, और उन मुनिराज को देखकर संगम के मन में ये भाव जगा कि इन्हें भी तो आहार की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं अपनी खीर थोड़ी इन्हें भी दे दूं। इस तरह से ये भाव जगा, और उसके हृदय में उस समय जो उन मुनि के प्रति प्रेम की और समानुभूति की भावना जगी, उसने मुनिराज के पात्र में वो खीर देना प्रारंभ किया, और खीर देते 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 उसके भीतर की भावधारा इतने उत्कृष्ट भावों पर पहुंच गई कि उसके भीतर के अनंत अनंत पाप कर्म क्षय हो गए, और उसने महान पुण्य कर्मों का उपार्जन कर दिया। इतना पुण्य कि अगले जन्म में वो शाली भद्र बना, जिसकी रिद्धि और सिद्धि के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो ऐसा वो शालीभद्र किस कारण से बना? हृदय में जो अपार प्रेम उमड़ा था,
किस समय? जब वो संगम था, जब वो बहुत गरीब था, लेकिन भीतर के भावों से वो गरीब नहीं था। उसके भीतर जो प्रेम प्रकटा था उन मुनि के प्रति, जो समानुभूति की भावना थी, जो उत्कृष्ट प्रेम धारा श्रद्धा में परिवर्तित हो गई थी, उसने उसके भीतर के कितने ही कर्म मैल को दूर हटा दिया था। हम देखें भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव हो अथवा भगवान आदिनाथ का पूर्व भव हो, जिस समय उनके भीतर सम्यक्त्व का बीज वपन हुआ था, वो कौन से क्षण थे? वो किसी मुनिराज के प्रति उनके भी हृदय में जब प्रेम और श्रद्धा का उदय हुआ था, वही वो क्षण थे कि जिस समय में उनके भीतर अनादि काल का मिथ्यात्व दूर भग गया था और उनके भीतर सम्यक्त्व का बीज पड़ गया था। उन्होंने भी अत्यंत ही भक्ति भावना से उन मुनिराज की सेवा की थी अथवा मुनिराज को आहार बहराया था, और उस समय वो साधारण इंसान ही थे। उस समय वो कोई विशिष्ट नहीं थे, वो परमात्मा नहीं थे, लेकिन उस समय में उनके भीतर ऐसी असाधारण बात का बीज डल गया कि फिर जाकर के वो भगवत्ता के स्वामी हुए। ऐसी आंतरिक संपदा जो कि संसार की सबसे अधिक संपदा जो कही जाती है चक्रवर्ती, उनकी संपदा से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती भी जिनके सामने कुछ नहीं है, ऐसी असाधारण आत्मिक वैभव के वो स्वामी बन गए, स्वयं के नाथ बन गए। इसीलिए तो हम देखें कि फिर हमारे जो मापदंड है वो कहाँ पर टिकते हैं। लेकिन हम सब लोगों के तो मापदंड कुछ अलग ही है। हम तो किसी को भी साधारण अथवा विशेष किसी अलग ही नजरिए से देखते हैं। हमारा जो किसी को भी जज करने का तरीका है कि वो व्यक्ति बड़ा है और वो व्यक्ति छोटा है, वो ऐसा है हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जिसकी जितनी नेटवर्थ ज्यादा वो उतना बड़ा आदमी, वो उतना महान आदमी, यानी जिसके पास में जितनी ज्यादा धन संपत्ति वो उतना बड़ा, और जिसके पास में जितनी कम धन उतना वो छोटा इंसान। यही है हमारी तो परिभाषा। हम धन संपत्ति के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा मानते हैं, और ये नजरिया ही हमारा ऐसा बन चुका है कि बड़ा वही जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। और फिर हमारा जो व्यवहार होता है वो भी इसी आधार पर डिसाइड होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत जैसे 500 करोड़ 100 करोड़ का व्यक्ति है, तो वो बहुत बड़ा है हमारी नजर में, और फिर जब हम उसके साथ में व्यवहार करेंगे तो हम एकदम सर 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 कितना रिस्पेक्ट के साथ में उनके सामने पेश आते हैं, कितना आदर करते हैं, क्योंकि हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग वो बड़े आदमी हैं, वो महान हैं, वो विशेष हैं। और फिर जो नॉर्मल है, मिडिल क्लास है, उनके सामने हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। और अगर कोई हमारा निकट का रिश्तेदार, अगर उसके पास में कम पैसे हैं, वो इतना धनवान नहीं है हमारे जितना, तो हम लोग तो उसको अपने घर के विवाह समारोह में, कोई भी फंक्शन में बुलाने से भी कतराने लगते हैं। यही आजकल हमारा व्यवहार होता है। चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही है, हमारा बहुत निकट का रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी हम उससे कतराने लगते हैं। अब हम उसको अपने घर के फंक्शंस में बुलाने में अपनी छोटी समझते हैं कि वो उनमें इतने एटिकेट्स नहीं है, वो हमारे लेवल के, हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको बुलाने से भी बचते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी हमारी नजरों में, जिसे हम कहते हैं लोअर क्लास, बिल्कुल ही छोटे तबके के लोग, गरीब तबके के लोग जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे आसपास वॉचमैन हैं, या हमारे घर में काम करने आने वाली बाई है, या कोई सेवक है, हमारे सर्वेंट्स है, या कोई सफाई कर्मचारी है, या जैसे रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, इन सब लोगों के साथ में हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? हमारे सामने हमें लगता है कि इनकी तो क्या हैसियत है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और हम लोग जब उनसे बातचीत करते हैं तब भी हमारा बिहेवियर उनके साथ में कैसा होता है हम स्वयं ही जानते हैं। हम लोग उन्हें कितनी छोटी नजरों से देखते हैं, हमें लगता है ये क्या समझते हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये लोग तो बहुत ही छोटे लोग हैं। इस तरह से जो हम उन्हें छोटा समझते हैं, और कई लोग तो ना सिर्फ उन्हें नीची नजरों से देखते हैं, उन्हें गरीब
पुअर, ये बेचारे लोग हैं, इस तरह से सोचते हैं और कई लोग तो उनका अपमान भी कर देते हैं। कई लोग उनकी गरीबी के कारण उन्हें तिरस्कृत कर देते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। कई लोगों को आपने भी देखा सुना होगा, आप भी जानते होंगे कि वो लोग गरीब का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है। वो पलट करके हमसे क्या बदला लेंगे, हमारा क्या नुकसान करेंगे, लोग कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेंगे वो, हम लोग तो उनसे बहुत श्रेष्ठ है, हम लोग उनसे बहुत ऊंचे हैं। इसीलिए वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ना सिर्फ मजाक उड़ाते हैं बल्कि कई तरह से उनका अपमान कर देते हैं, गरीब की अवहेलना कर देते हैं। और वो ये नहीं जानते कि अगर हम किसी गरीब की अवहेलना कर रहे हैं, किसी गरीब का तिरस्कार कर रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में हमारी प्रोग्रेस की राह में रोड़े डाल रहे हैं। हमारी लाइफ की तरक्की अब बाधित हो जाएगी क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति का अपमान किया है। और हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये गरीब भले ही है लेकिन इसके भीतर भी उतना ही योग्य आत्मा है जितना मेरे भीतर है। उसकी चेतना भी सर्वशक्तिमान है, वह भी अपने आप के भीतर संपूर्ण योग्य आत्मा है और हम उस आत्मा की आशातना कर रहे हैं, उस पूरे व्यक्तित्व का हनन कर रहे हैं, हम उसकी हिंसा कर रहे हैं, उसके प्राण का अतिपात कर रहे हैं। ये सब बातें हम उस समय में भूल जाते हैं। और फिर एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो गरीब का मजाक तो नहीं उड़ाते, जो उनका अपमान तो नहीं करते, उनका तिरस्कार तो नहीं करते, लेकिन किसी भी गरीब को देख करके उनके मन में बहुत दया की भावना आती है। वो कहते हैं देखो कितने बेचारे गरीब है, सर्दी में रात को ठिठुरते हैं, इनके पास में कोई साधन ही नहीं है, ना अच्छी तरह से खा पाते हैं, ना पहनने के लिए ढंग से वस्त्र है, ना रहने के लिए छत है। तो उनके मन में बहुत दया आती है और वो उस दया के वशीभूत होकर के उन्हें कुछ न कुछ दे देते हैं। और जब उन्हें कुछ देते हैं तो स्वयं के अंदर बहुत स्वयं को गौरवान्वित फील करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। जब भी हम किसी गरीब की या किसी पुअर की कोई कर रहे होते हैं तो आजकल तो जमाना है कि लोग तुरंत सेल्फी ले लेते हैं, फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं कि आज मैंने ये एक भला काम किया। लोग सोचते हैं हमने किसी गरीब की मदद की, यानी हमने एक बहुत अच्छा काम किया, सत्कर्म कर दिया। लेकिन वो जो किसी गरीब की सहायता करने वाला है वो उसे गरीब मान रहा है, उसके मन में क्या आता है, ये बेचारा, ये कितना गरीब है, बहुत बेचारा है। कितने लोगों के, हम लोगों के मुंह से निकलता है बेचारा शब्द, लेकिन ये अगेन हम ध्यान रखें कि जब हम उन्हें बेचारा कह रहे हैं तब भी हम उनकी आत्मा की आशातना कर रहे हैं, हम उनके भीतर की आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। और ये जो हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें गरीब तो मान रहे हैं ना, हमारी नजर में वो छोटे तो हैं ही, अभी भी हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ फील कर रहे हैं, हम तो बड़े हैं और वो छोटे हैं, और तभी हम उनके ऊपर दया कर रहे हैं। इसीलिए विराट गुरुदेव कहा करते थे कि किसी पर भी दया मत करो। देखने में ये वाक्य, सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है कि किसी पर दया मत करो, दया तो हमारा धर्म है, फिर किसी पर दया कैसे नहीं करनी। लेकिन हम देखें कि जब हम उसे गरीब मान रहे हैं और फिर उस पर दया कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे भीतर तो हमारा अहंकार पुष्ट हो रहा है, हम तो उस समय भी अहंकार में ही हैं। और हम उस समय में वो जो व्यक्ति है, जो लोग उन गरीब का मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, हम भी उन्हीं की श्रेणी के लोग हैं, क्योंकि वो भी अपने भीतर एक सुपीरियर फीलिंग में है कि हम बहुत बड़े लोग हैं और ये जो हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं हम भी उसी सुपीरियरिटी में हैं। हमारे भीतर भी उस समय मन में अहंकार तो मौजूद रहता ही है, इसीलिए वो दोनों ही एक बराबर की श्रेणी के हैं क्योंकि दोनों के भीतर अहंकार है। और इसीलिए हम ध्यान रखें कि हम कभी भी किसी को छोटा न माने, चूंकि उनके पास में संसाधन कम है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में साधनों का अभाव है, वो इतना धन नहीं जुटा पाए लेकिन फिर भी अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं ना, लेकिन उनके धन के कारण से हम उन्हें छोटा मान रहे हैं। उन्हें छोटा मानने मात्र से ही हम उनका प्राणातिपात कर रहे हैं। इसीलिए हम सदैव अपने भीतर ये जागृति बनाए रखें कि मैं कभी किसी को छोटा न समझूं।
विराट गुरुदेव की आत्म मंत्र की प्रार्थना में हम लोग ये प्रतिदिन गाते हैं, यतना विनय सेवा सरलता प्रेम में सबसे करूं, मिल बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। विराट गुरुदेव कहते हैं कि हम सभी को प्रतिदिन अपने आप को इस तरह के भावों से भरना चाहिए। हमें अपने आप से ये प्रार्थना करनी है कि यतना विनय सेवा सरलता प्रेम मैं सबसे करूं, मेरे भीतर सबके लिए प्रेम रहे और मिल बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। मेरी कोई भी सुविधा हो, मुझे कुछ भी मिले तो मैं उसे मिल बांट कर भोगूं। मेरे भीतर शेयर करने की बात सबसे पहले आए और मैं किसी को लघु ना करूं। अगर मैं किसी को कुछ दूं भी तो उसे लघु जान करके ना दूं कि ये तो छोटा है, ये बेचारा है, मैंने उसे दे दिया। लोग बहुत अपनी कॉलर ऊपर करते हैं, मैंने इतने गरीबों के लिए इतने कंबलों का दान किया, आज उनको फ्रूट्स देकर के आए, ये देकर के आए, अपने बड़े बड़े नाम अपने पर्चे छपवाते हैं, अपना जगह जगह पर अपना प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन हम याद रखें कि अगर हम उन्हें छोटा मान रहे हैं, हमारी नजरों में ये जो भेदभाव बसा हुआ है कि वो छोटे लोग हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि हमने धन को इतना महत्व दे दिया कि जिनके पास में धन है वो बड़े लोग हैं। हमारी परिभाषा ही ऐसी हो गई, हमारा मापदंड ही यही बन गया कि समाज के अंदर जो जितना ज्यादा धनवान है वो उतना बड़ा आदमी है और जिनके पास कम धन है वो छोटा आदमी है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी को इतना महत्व देंगे, उन्हें बड़ा मानेंगे, तो उसका दूसरा छोर यानी कोई छोटा भी होगा ही हमारी नजर में। और ये जो बड़ा और छोटा मानने वाली जो हमारी दृष्टि है, इसी का नाम है मिथ्या दृष्टि। यही हमारा मिथ्यात्व है कि हमारी नजरों में भेदभाव बसा हुआ है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है निष्पक्ष हो जाना, सम्यक हो जाना, समत्व भाव से युक्त होना। हम सबके प्रति समान भाव हमारे भीतर कहाँ आ पाता है? हम अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हम नेक काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं और हम दान पुण्य भी करते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा होती है, जितनी हमारे भीतर भाव होता है, उतना हम पुण्य करते हैं, दान देते हैं, जप तप करते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं, और ये सब करके हम अपने आप को एक अच्छा सद्गृहस्थ धार्मिक व्यक्ति समझते हैं। लेकिन याद रखें, सदैव ये स्मरण रखें कि अगर हमारी नजरों में ये भेदभाव है कि कोई बड़ा है और कोई छोटा है, अब वो चाहे किसी भी आधार पर हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा माने, धन के आधार पर तो हम मानते ही हैं, हम एजुकेशन के आधार पर भी मानते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं, वो लोग बड़े हैं, और जो बहुत ही अनपढ़ है, जो कुछ जानते नहीं है, उनको हम ये कहते हैं वो कुछ जानते ही नहीं है, उन्हें क्या नॉलेज, उन्हें क्या समझ। तो ये भी हमारा ये हमारी भाषा ये शो करती है कि हमारी नजरों में भेदभाव है। चाहे किसी भी आधार पर हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा मान रहे हैं, ये जो भेदभाव है ये हमारी नजर में जब तक है तब तक हम सम्यक्त्वी नहीं हो सकते। फिर चाहे हम अपने आप को कितना भी धार्मिक मान लें, कितने भी धर्म क्रिया कर लें, लेकिन सच्चा धार्मिक वही होता है जिसके भीतर सम्यक्त्व का उदय होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी तब तक हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। मुक्ति प्राप्त करने की अर्हता ही यही है कि व्यक्ति के भीतर समदृष्टि जागे, वो सम्यक दृष्टि हो जाए। और इसीलिए हम सम्मतम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। 6 पॉइंट्स को हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और 7वां पॉइंट सम्मतम प्रार्थना का हमें ये समझा रहा है कि किसी भी गरीब और फकीर की अवहेलना ना हो। हम प्रतिदिन अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दें, ये सम्मतम प्रार्थना हम रोज कहें, अपने आप से कहें, अपने आप को ये याद दिलाएं, अपने आप को ये अपने भीतर इंस्ट्रक्शन डालें कि मेरे द्वारा किसी को भी गरीब ना देखा जाए, किसी गरीब की मेरे द्वारा अवहेलना ना हो। अगर मैं किसी को छोटा समझ रहा हूँ, हीन समझ रहा हूँ, किसी भी आधार पर, धन के आधार पर, तो मैं उसकी अवहेलना कर रहा हूँ, उसकी आत्मा की आशातना कर रहा हूँ। और फिर हम देखें, ये जो हमारी भेदभाव वाली दृष्टि है जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा मानती है, किसी को श्रेष्ठ महान और किसी को हीन और तुच्छ समझती है, ये हमारा भेदभाव वाला नजरिया हमारे स्वयं के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होता है। वो इसलिए घातक सिद्ध होता है क्योंकि
जब हम अपने लेवल से कम लोगों को देखते हैं तो हमारा उनके प्रति छोटे लोग हैं इस तरह का भाव आता है कि वो हीन है, वो पुअर है, वो गरीब है। और फिर जब हमसे ऊपर वाले लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम अपने आप को भी तो हीन महसूस करते हैं ना। कितने लोग हैं जो स्वयं धन कम होने के कारण से अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। बहुत लोग हैं, हो सकता है आप स्वयं भी उन्हीं में से एक हो कि जो अपने आप को अभी तक भी ये मानते हो कि अभी हमने क्या कमाया। लोग बोलते भी हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं जी, आप बहुत बड़े लोग हो, आप क्या, आपकी क्या वैल्यू है, हम सब जानते हैं। लोग किसी को जज भी इसी आधार पर करते हैं, ये 20 करोड़ का है, ये 50 करोड़ का है और वो बहुत बड़ा आदमी है। और फिर हम स्वयं को भी हीन मानते हैं क्योंकि अभी हमने उतना अटेन नहीं किया है, अभी हम उतना नहीं कमा पाए, तो इसीलिए हम अपने आप को भी हीन महसूस करते हैं। और कई लोगों की तो ये हीनता, ये हीन भाव इतना अधिक समा जाता है कि वो डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। फिर उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। क्यों ये बीमारियां क्यों आई शरीर में? क्योंकि वो भेदभाव वाला नजरिया था, वो दृष्टिकोण गलत था। जब हमने अपने दृष्टिकोण में ही अपने आप को छोटा समझ लिया धन के कम होने के कारण से, तो अब हमारे भीतर में बहुत सारी बीमारियां आएगी क्योंकि हमारा मन बीमार हो गया। वो हमारी अंदर जो इन्फीरियोरिटी है वो हम नहीं जानते कि वो हम अपने आप का भी घात कर रहे हैं। जैसे हम दूसरों को छोटा मानते हैं तो उनकी आत्मा की आशातना कर रहे हैं, उसी तरह से स्वयं को छोटा मानना, स्वयं को दीनहीन तुच्छ मानना स्वयं की आशातना करना है। और जब हम अहिंसा व्रत की बात करते हैं, प्राणातिपात की बात करते हैं, तो प्राण सबके एक समान होते हैं, प्राण तेरे या मेरे नहीं होते। हम दूसरों की हिंसा ना करें इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम ये जो निज हिंसा कर रहे हैं, यहाँ हम किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी की हत्या नहीं कर रहे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हम देखें हमारे कितनी सूक्ष्म वेज है, कितने अदृश्य तरीके हैं कि हम किस तरह से स्वयं की हिंसा कर रहे हैं। हम निज पीड़क बन रहे हैं, निज हिंसा कर रहे हैं, स्व के प्राणों का अति पतन कर रहे हैं। हमारी प्राण धारा अधो दिशा की ओर बह रही है, हम अपना प्राणातिपात कर रहे हैं जब हम धन के आधार पर या किसी भी आधार पर, किसी भी मापदंड को मान करके हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और हम करेंगे ही क्योंकि हमने किसी को बड़ा माना है, तो जब तक कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी है। इसीलिए हम समझें कि ये भेदभाव सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है, सिर्फ हमारी नजर में है, जो कि मिथ्या नजर है, जो कि मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। हम इस मिथ्या दृष्टि से बाहर आए, हम इस मिथ्या दृष्टि का त्याग करें, हम समझें कि ये भेदभाव समाज में किसने डाला? हम लोगों ने ही तो डाला, हमारी नजरों से ही तो ये बात समाज में आई है। हम कह देंगे कि हम भले नहीं माने तो क्या हुआ, समाज तो सब लोग तो उसी नजरों से देखते हैं। वो चाहे किसी भी नजरों से देखते हो, लेकिन हमें अपना सुधार करना है, हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपनी दृष्टि को सुधारना है और हमें अपने जीवन को समृद्ध बनाना है, शांत बनाना है, सुखी और आनंदमय बनाना है। हम देखें प्रकृति में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, प्रकृति में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, प्रकृति किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करती। यहाँ कोई तराजू नहीं है कि ये बड़ा और ये छोटा, जिसमें किसी व्यक्तियों को तोला जा सके कि ये महान और ये कम महान, ये तुच्छ। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है प्रकृति में, प्रकृति का कोई तत्व किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, सबके लिए समान रूप से वो बहता है, अपनी योग्यताओं को खिलाता है। लेकिन एक इंसान ही है जिसकी नजर में, जिसकी सोच में, जिसकी दृष्टिकोण में ये भेदभाव बसा हुआ है। और हमें अगर सच्चा धार्मिक होना है, अगर हमें समदृष्टि होना है, सम्यक दृष्टि होना है, तो हमें ये भेदभाव वाली नजर अपने अंदर से दूर करनी होगी। और हम सभी इस बात का पुरुषार्थ करें कि हमारे भीतर के ये भेदभाव दूर हो, हमारी समझ जगे, हम समझें। अब तो हम समझें कि हम अपना घात ना करें, हम निज हिंसा और पर हिंसा ना करें, किसी को बड़ा और किसी को छोटा ना समझें। हम सभी ये अपने भीतर की इस मिथ्या दृष्टि को, भेदभाव को दूर भगाएं। यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि हमारे भीतर सद्बुद्धि जगे, हमारे भीतर के सारे मिथ्यात्व, जितना भी ये पक्षपात है, जितना भी ये भेद का भाव है, वो सभी दूर हो। इस बात की हम सभी प्रार्थना।
प्रार्थना करते हैं, जय हो जय हो जय हो, सब मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।